बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको सुंदरकांड अर्थ सहित सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम चुरुगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या विस्प्रहा रघुपति हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित वलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुज वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानरणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं जात जातं नमामि। अब इसका अर्थ सुनाएंगे। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्व व्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ करती हूँ। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। चौपाई जामु बंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मुहे पर क्यों तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाए। जब लग आवहु सीत ही देखे हो यहु काज मुहे हरस विशेषी। यह कहनाए सभिन कहु माथा चलु हरस ही धर रघुनाथा। सिंध तीर के भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताओ पर। बार बार रघुवीर समारे तर क्यों पवन तनय बल भारी। जे गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करवाना एही भात चलो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे ते में नाक होई समुहारे। हनुमान ते ही परेशान कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। इस
का अर्थ सुनाएंगे। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कछु कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिनि कै माता, पठिन आइ कहे तै बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुध प्रभु ही सुनावो। तब तब वदन बैठे हो आए, सत्य कहो मोहे जान दिमाए। कब निहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहे कहो हनुमाना। जो जन भरते हैं दुगन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सोरे जो जन मुखते ठयाऊं, तुरत पवन सुत बतिस भयाऊं। जस जस सुर सावधन बढ़ावा, ताश दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीन्हा, अति लग रूप पवन सुत लेना। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जिहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब कर हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। सियावल राम चंद्र की जय। अब चौपाई का अर्थ सुनाएंगे। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तू फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर चार कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा है। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल
बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले, बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सीताराम भगवान की जय, हर हर महादेव, जय सिया राम।